प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से लोकसभा में तमाम चीजें, वो आरोप जो विपक्ष लगाता रहा है अलग अलग मुद्दों को लेकर के, वो उनका आज न सिर्फ जवाब दिया गया बल्कि एक तरीके से कहे कि ये बताने की भी कोशिश की गई कि कैसे देश के साथ छलावा हुआ है, कैसे देश के साथ धोखा होता रहा है। ब्रजेश जी, एक बात मैं समझना आपसे चाहती हूं कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि संसद की एक बाकायदा गरिमा होती है, जब लीडर ऑफ द हाउस खड़ा होता है तो बाकायदा एक तरीके से कहे उसको सुना जाता है, लेकिन ये कहें कि क्या कांग्रेस इस गरिमा को भूल चुकी है जिस तरह का हंगामा किया गया? देखिए श्वेता, इसके पहले भी हंगामे होते रहे, लेकिन इस तरह का हंगामा जिसमें कि लीडर ऑफ द हाउस, आप ध्यान रखें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो मनमोहन सिंह की तरह वो राज्यसभा से नहीं आए, वह लोकसभा का चुनाव जीत कर आए हैं, वाराणसी सीट को रिप्रेजेंट करते हैं। हालांकि उन्होंने बड़ौदा की भी सीट जीती थी, लेकिन उन्होंने वाराणसी को रिप्रेजेंट करना कबूल किया और वडोदरा से, जाहिर है जो कि आप एक साथ दो जगहों से संसद सदस्य नहीं रह सकते, तो वडोदरा की सीट छोड़ी। अगर प्रधानमंत्री जो कि लीडर ऑफ द हाउस भी हैं लोकसभा में बोल रहे हैं और राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होता है उसमें परंपरा के मुताबिक जो लीडर ऑफ द हाउस हैं, जो प्रधानमंत्री हैं, उनको जो है कंक्लूडिंग रिमार्क्स रखने होते हैं, जितने भी सवाल उठाए गए होते हैं अलग अलग पार्टियों के लोगों की तरफ से राष्ट्रपति के अभिभाषण को लेकर, उस पर एक तरह से वो रेस्पॉन्ड करते हैं और यह अधिकार हासिल है। ऐसे में जो है प्रधानमंत्री मोदी जब लोकसभा में अपनी बात रखने के लिए खड़े हुए, उसके बाद से एक दो टीका टिप्पणी चलती है कि आपने कहीं कोई किसी पर्टिकुलर चीज पर कोई बात रख दी, लेकिन लगातार आप हंगामा करते रहें, लगातार आप भाषण में व्यवधान डालते रहें, इस तरह की घटना जो है अमूमन कभी देखी नहीं गई सदन के अंदर, वो भी जो है लोकसभा के अंदर, कि पूरे भाषण, आप ध्यान रखें पौने दो घंटे तक प्रधानमंत्री ने जो है संबोधन किया और उस पूरे पौने दो घंटे तक लगातार कांग्रेस के सांसद जो है हंगामा करते रहे, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। ध्यान रखें कि जब हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की बात करते हैं, जो आरोप लगते हैं उनका जो है सो जवाब देने की जिम्मेदारी सरकार की होती है और सरकार के अगुआ के नाते जो है ये प्रधानमंत्री मोदी की जिम्मेदारी थी कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर वह जो है सो अपनी बात कंक्लूडिंग बात रखते, और इस दौरान जब उन्होंने बातें रखने का सिलसिला शुरू किया तो लगातार व्यवधान पैदा किया गया और यह एक सोची समझी रणनीति थी, कोई अचानक की रणनीति नहीं थी, कांग्रेस यह तय करके आई थी। तो जाहिर है यह अपने आप में एक तरह से कह सकते हैं जो संसदीय परंपराएं रही हैं उनमें गिरावट का एक बड़ा संकेत यह भी है कि किस तरीके से हम पहुंच गए हैं कि न सिर्फ कोई सामान्य सदस्य, अगर लीडर ऑफ द हाउस ही बोलता है तब भी उसको बोलने नहीं दिया जाता बिना किसी व्यवधान के। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, अगर हम खासियत की बात करें, एक तरफ इतिहास में झांक कर जहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार कांग्रेस की कमियां गिनाई, किस तरीके से बताया कि आप एंटी डेमोक्रेटिक अपने एटीट्यूड में रहे हैं, पूरे एक परिवार की सेवा में पूरी पार्टी लगी रही इतने वर्षों तक, दूसरी तरफ जो है उन्होंने अपनी सरकार के 3 साल और जो यूपीए सरकार के जो आखिरी 3 साल थे उसको लगातार कंपेयर करते हुए, चाहे रोजगार का मुद्दा हो, चाहे वह जो है सो सड़क निर्माण का मुद्दा हो, चाहे रेल ट्रैक का मुद्दा हो, या फिर इलेक्ट्रिफिकेशन का मुद्दा हो, या फिर ग्रामीण विद्युतीकरण की बात हो, इन सभी पर बहुत कन्विंसिंगली यह बताने की कोशिश की कि किस तरीके से यूपीए के मुकाबले जो है एनडीए की जो सरकार है, जो कि खुद उनकी अगुवाई वाली सरकार है, किस तरीके से उसने विकास की गति को आगे बढ़ाया है। इसके अलावा भ्रष्टाचार को लेकर उन्होंने जो बड़ी बात कही और जिसके लिए उन्होंने आधार का सहारा लिया कि आधार के जरिए जो है हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर 400 से भी अधिक योजनाओं में कर रहे हैं और उसकी वजह से जो बिचौलियों का राज था, जो दलालों का राज था, वो खत्म हो गया और इससे कांग्रेस परेशान है, तो एक सीधा सीधा हमला था। एक तरफ उन्होंने कहा था कि किस तरीके से बैंक लोन जो है गलत लोगों को दिलाने में लगी रहती थी कांग्रेस, और दूसरी तरफ जब आधार जैसी स्कीम के जरिए जो बिचौलियों का सिस्टम खत्म किया जा रहा है तो कांग्रेस कितनी परेशान है। तो एक तरह से इतिहास के साथ साथ वर्तमान को भी लेकर बहुत ही हमलावर तेवर के साथ जो है सो कांग्रेस पर लगातार पौने दो घंटे तक हमला बोला प्रधानमंत्री ने। अच्छा ब्रजेश जी, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि एनपीए को लेकर सरकार किस तरीके से चुप थी कि बैंकों पर कोई असर ना हो, इसके लिए किस तरीके से मुंह बंद करने के लिए मजबूर थी सरकार, इसका भी आज जिक्र किया गया कि कैसे झूठे आंकड़े पेश किए गए कांग्रेस की ओर से एनपीए को लेकर के। देखिए, जो बैंकिंग इंडस्ट्री की हालत आप ध्यान दें तो बहुत अच्छी नहीं थी जब प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में नई सरकार आई, क्योंकि बैंकों का एनपीए जो है खासतौर पे जो पब्लिक सेक्टर के बैंक से उनका वो बहुत बड़ी अमाउंट जो थी जो कि एनपीए में कन्वर्टेड थी, तो उसको लेकर जो है प्रधानमंत्री मोदी ने एक तरफ जहां पर एक तरह से फिस्कल डिसिप्लिन क्रिएट करवाया, वहीं बहुत सारे जो है आप ध्यान रखें कि स्टेट बैंक के कई सारे एसोसिएट बैंक का मर्जर किया गया ताकि जो है उनके अंदर जो है सो इफेक्टिवनेस बढ़े। इसी के साथ फ्रेश
जो कैपिटल है उसको भी इन्फ्यूज किया गया और कोशिश ये की गई कि जो सार्वजनिक उद्यम जो है, जो बैंक है, जो पीएसयू जो बैंक है, उनको जो है किस तरीके से पटरी पर लाया जाए। यही नहीं, उन्होंने बात ये भी की कि नए रोजगार देने के लिए, नए व्यवसाय धंधे देने के लिए किस तरीके से बिना गारंटी के जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है उसका जो है बेनिफिट किस तरीके से बड़े पैमाने पर लोगों को मिला और इसमें अभी तक किसी भी किस्म के भ्रष्टाचार की कोई शिकायत नहीं है। तो एक तरफ अपनी उपलब्धियां, एक तरफ अपनी सरकार के विकास के काम और दूसरी तरफ कांग्रेस की नाकामियों और कांग्रेस की तरफ से जो अलग अलग टाइम पर जो अलग अलग एक्ट हुए हैं जो कि मोदी के मुताबिक जो कि डेमोक्रेसी के खिलाफ रहे उसके उदाहरण के साथ एक तरह से कह सकते हैं कांग्रेस को पूरी तरीके से घेरा प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में श्वेता आज।